में पिछले दो दिनों से जबरदस्त बारिश हो रही है। बारिश की वजह से शहर के तमाम इलाकों में पानी भर गया है। बारिश के साथ साथ जबरदस्त तूफान और बिजली भी तबाही मचा रही है। शहर के कई जगहों पर बिजली गिरने की सूचना आई है। इसके साथ ही बिजली गिरने से अंबेडकर पार्क में लगी हाथी की मूर्ति को भी नुकसान हुआ है। अंबेडकर पार्क में मायावती सरकार द्वारा लगाई गई हाथी की मूर्ति पर बिजली गिर गई। बिजली गिरने से हाथी को काफी नुकसान हुआ है। हाथी में बिजली गिरने से मूर्ति पर कई निशान नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही मूर्ति पर एक नीली लाइन पड़ गई है। इसके अलावा हाथी की सूंड के पास बड़ा छेद हो गया है। मूर्ति में नीचे भी काफी नुकसान हुआ है। बता दे कि लखनऊ में कल रात करीब 2:30 बजे से काफी बादल गरजे और बिजली भी कड़की। रात करीब 3:30 बजे बिजली गोमती नगर के अंबेडकर पार्क में एक हाथी की मूर्ति पर गिर गई थी। गौरतलब है कि मायावती ने 2002 में यूपी का मुख्यमंत्री रहते लखनऊ के गोमती नगर इलाके में अंबेडकर पार्क बनवाया था। 2007 में बहुमत की सरकार बनने के बाद मायावती ने इस पार्क को और बड़ा किया और यहां एक एलिफेंट गैलरी भी बनवाई। इस गैलरी में पिंक सैंडस्टोन के 62 हाथी लगाए गए थे। एलिफेंट गैलरी में लगी हाथी की ये 62 मूर्तियां काफी चर्चा में रही हैं। कहा जाता है कि एक हाथी की मूर्ति की कीमत करीब 60 लाख रुपए है। अब बिजली गिरने के बाद हाथी को ढक दिया गया है। सरकार समिति की पीआरओ भावना ने बताया कि अब निर्माण निगम की टीम आकर देखेगी और फिर बिजली गिरने से हाथी की मूर्ति को हुए नुकसान की मरम्मत कराई जाएगी। यहाँ पे कल रात में बारिश हुई और उस बिजली तड़कने से यहाँ पे एक बिजली गिर गई एक हाथी पे, जो वो क्षतिग्रस्त हो गया, डैमेज हो गया है पूरा। कितनी कीमत है, कुछ आइडिया लग पा रहा है? बताते हैं जो लोग बताते हैं, मुझे इतना आइडिया नहीं है, मगर जो बताते हैं लोग 50-60 लाख रुपए एक हाथी की कीमत है। कितने हाथी लगे हुए हैं? 31 तरफ है, 60 हाथी हैं। और भी कई हाथी हैं जो डैमेज दिखाई दे रहे हैं? वो तो ऐसे ही डैमेज हो गए हैं, जो मतलब अपनी वजह से। और ये जो हाथी है इस पे बिजली का ही गिरी जो लग रहा है पूरा, जिस आधार पे उस देखने पे मत। प्राधिकरण की तरफ से कोई यहाँ पे देखने के लिए आया, कुछ इस तरीके की बात आई कि सही कराया जाएगा या कैसा, क्या कंप्लेन हुई? अभी तक तो इसकी सूचना नहीं है, मगर अब ये जरूर सब अधिकारियों के संज्ञान में आ चुका है कि यहाँ पे ऐसा ऐसा कांड हुआ है। इसलिए आप देख रहे हैं पार्क में विजिटरों की एंट्री बंद चल रही है, क्योंकि यहाँ पे हर जगह जगह पे पानी भरा हुआ है। और इसका यही विभाग का अधिकारी एलडीए से या स्मारक समिति से? स्मारक समिति से ही लोगों ने तो बंद रखा है, इसीलिए कि यहाँ पे जो चीजें हो रही हैं, इसीलिए विजिटरों की एंट्री बंद है। जो 11 बजे से एंट्री होती है वो एंट्री बंद है आज की डेट में।